नमस्कार दोस्तों, जय भीम। तो इस वीडियो की शुरुआत के पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। हम सरकार क्यों चुनते हैं? क्या सरकार हम भजन सुनने के लिए चुनते हैं? क्या हमने इस देश में इस समय जो देश की सरकार है, जो कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो पुजारी लोग हैं, बाबा लोग हैं या भजन करने वाले लोग हैं? वो कौन है? दोस्तों, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन होगा, अपने घरों के बाहर ना निकले, अपने दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा खींच ले। और जब उन्होंने ये बात कही थी तो मन में कहीं ना कहीं सवाल थे। मैंने सोचा कि संकट की घड़ी में अभी सरकार से सवाल पूछना जायज नहीं है। अभी हम सब एक होकर इस संकट की घड़ी से निपट ले, उसके बाद हम सरकार से सवाल करेंगे, उससे जवाब पूछेंगे। लेकिन ना चाहते हुए भी आज इस विषय पर आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। दोस्तों, 21 दिन का लॉकडाउन है, आप अपने घरों में हैं, हम अपने घरों में हैं तो भी डर लग रहा है। घर से बाहर कोई जरूरी काम के लिए जाना है, सब्जी लेने जाना है या कोई भी जरूरी काम के लिए जाना है तो भी हमें डर लगता है, कहीं हमें इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं हम संक्रमित ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, दिल्ली की सड़कों में और देश के हर बड़े शहरों में जो सड़क है आज, वहाँ पर जो हमारे देश के गरीब तबका है, जो गरीब बेरोजगार है, जो हमारी माताएं बहनें हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आज पैदल चल रहे हैं। दोस्तों, आज वो भुखमरी की कगार में हैं। क्या उन्हें संक्रमण नहीं होगा? क्या उन्हें बीमारी का खतरा नहीं है? जब कुछ रिपोर्टरों ने उनसे पूछा कि आज यहाँ पर आप लोग पैदल जा रहे हैं, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको कोरोना की बीमारी हो सकती है, तो लोगों का इतना मार्मिक जवाब कि कोरोना के पहले हम तो भुखमरी के कारण मर जाएंगे, भूखे पेट मर जाएंगे, हमारे बच्चे भूखे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारे सर पे कोई छत नहीं है, जिस घर में रहते थे उस मकान मालिक ने हमें घर से बाहर कर दिया है, जहां हम काम करने जाते थे उन्होंने हमें काम से निकाल दिया है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन नहीं है कि हम अपने परिवार को 2 जून की भी रोटी नसीब करवा सके। इससे अच्छा हम अपने घर पहुंच जाएंगे तो वहां हमें कम से कम एक वक्त की रोटी तो मिलेगी, परिवार के बीच में रहने को तो मिलेगा। इतना दर्द क्या देश के प्रधानमंत्री देख नहीं रहे हैं? और खासकर सरकार के नुमाइंदे, वो कह रहे हैं कि रामायण देखो, वो कह रहे हैं कि भजन सुनो, वो कह रहे हैं कि महाभारत देखो, बड़े आराम से अपने घर में बैठ के, सोफे में बैठकर एसी चालू करके ये लोग रामायण और महाभारत के दृश्य और संवादों में खो गए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, आपने नोटबंदी की, अचानक की, आपका तर्क है कि यदि सबको बोल बता के करते तो लोग काला धन छुपा लेते, लेकिन लॉकडाउन के लिए क्या आनन फानन हो गया था? मैं आज देश के प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 12 फरवरी 2020 को सरकार को आगाह किया था, सरकार को कहा था कि देश में कोरोना का भयानक संकट आ सकता है, सरकार उसके लिए इंतजाम करे, सरकार उसके लिए कुछ तैयारी करे। लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया। क्या देश के प्रधानमंत्री को यह इस बात की चिंता नहीं थी, इस बात की परवाह नहीं थी? यह सवाल मैं देश के प्रधानमंत्री जी से आज ये पूछना चाहता हूं। आखिर सरकार क्यों होती है? धर्म की बात करने के लिए, रामायण दिखाने के लिए, महाभारत दिखाने के लिए, या पीड़ा, या दुख, या दर्द इसलिए है कि आज हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग सड़कों में हैं और पैदल अपने घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, और देश के अंदर में ये महामारी आ चुकी है। मुझे ये बताइए, उनमें से किसी एक को इन्फेक्शन हो गया, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी प्रभावित हो गया तो देश में क्या स्थिति आने वाली है? लॉकडाउन करने से पहले कोई तैयारी नहीं की, हमें तो यही नजर आ रहा है। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, जो हमारे सड़कों में जो हमारे इस देश के नागरिक गरीब लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए सरकार
क्या प्रयास कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो अपनी जगह है। लेकिन जो सक्षम लोग हैं वे इसके लिए कुछ पहल कर सकते हैं। यदि वे पहल कर सकते हैं तो इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई देशभक्ति नहीं हो सकती। इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वे हमारे जो गरीब लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, उनकी मदद करने के लिए आगे आए। धन्यवाद।